चुनाव का समय तो आ चुका है निश्चित तौर पर। आप दोनों ही पार्टियां जो अपने पीक पे आने की कोशिश करेंगी, जिस तरीके से एक मेरे ख्याल से 7 तारीख के सेकंड वीक में जो है आचार संहिता लगेगी, उसके पहले की जितने भी चुनावी तैयारियां दोनों ही राजनीतिक दल अपनी करना चाह रहे हैं, वो अपने बाहुबल के नाम पे, बौद्धिक बल के नाम पे, आप चाहे वो जितने आर्थिक बल के नाम पे हो, जितनी भी उनकी संपदा है उसको पूरी की पूरी वो यहाँ पे फ्लोर में लाना चाहते हैं ये दोनों ही दल। आप देखिए 21 तारीख को प्रियंका, 25 के राहुल, 28 के खड़गे, ये जितने प्रयास उनके हो रहे हैं कांग्रेस के, वो डेफिनेटली एक तो कल का दौरा ले ले, कल का प्रियंका जो एक रिप्रेजेंट करती है 50% महिलाओं को, जिस तरीके से नए बिल पास हुए, जिस तरीके से आकर्षण का एक केंद्र महिलाओं के लिए वो एक रिप्रेजेंटेशन करती है, तो निश्चित तौर पर उनका वो भी प्रयास था। अभी राहुल जी है तो यूथ को लेकर काफी एक्टिव है, खड़गे जी जो अपने कार्यकर्ताओं को लेकर जो बातें करेंगे, तो निश्चित तौर पर जो कांग्रेस है वो आचार संहिता के पहले वो तमाम तैयारियां कर लेना चाह रही है, जिसके कारण वो अपनी कुर्सी बरकरार रख सके। वहीं इससे इतर जिस तरीके से यात्रा में जो यात्रा चल रही भारतीय जनता पार्टी को, मैं कहूंगा कि इससे बहुत अच्छा प्रतिसाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, जिस तरीके से भीड़ जम रही है, जिस तरीके से लोग चल रहे हैं, जिस तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो चाहे ब्लॉक स्तर पे हो, जिला स्तर पे हो, या बड़े मेट्रोपॉलिटन जो शहर है उसमें जो इस तरीके से रिस्पॉन्स आ रहा है, तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो एक यात्रा को लेके एक सामंजस्य बैठा ले कार्यकर्ता, जिस तरीके से जागृत हो रहा है, जो सोया हुआ कार्यकर्ता आप कह सकते थे भारतीय जनता पार्टी का, वो पिछले 6 माह से कार्यकर्ता दिख रहा है। और खासकर जो इनके नेता है, जिसको मैं तवज्जो देना चाहूंगा, जामवाल जी को, जिस तरीके से उनकी कार्यशैली है, जिस तरीके से वो एक बदक की तरीके से काम कर रहे हैं, ऊपर जितने शांत और स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, निचले नीचे उतनी तेजी से उनके पैर चल रहे हैं, और समाज का तबका हो, महिला हो, पुरुष हो, समाज का तबका हो, अल्पसंख्यक वर्ग हो, ST हो, SC वर्ग हो, जिस तरीके से वो मेल मुलाकात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये भारतीय